एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। लाइट ऑन करो। यस सर। सर लगता है हमसे पहले यहां कोई आ चुका है। कातिल हमेशा यही तसल्ली करने लौटता है कि कहीं उसने कोई सुराग तो नहीं छोड़ दिया और वहीं गलती कर बैठता है। तुम अच्छी तरह तलाशी लो। जी सर। हेलो जानू, सुबह से एक बार भी फोन नहीं किया। हाँ चल। उन्होंने पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया था? टाइम पास कर ले। अरे गलती से बुलाया था यार। हाँ, घर कब आ रहे हो? पता है हम सब ने हैंगिंग गार्डन जाके हैंग आउट करने का प्लान बनाया है। मैं भी प्रेम और अमर के साथ हैंगिंग आउट ही कर रहा हूँ। मैं बाद में फोन करता हूँ मेरी माँ। हाँ हेलो जानू। जगह देखे सिकंदर क्या करे। जगह देखना। ओके संभाल। सर ये कुछ पेपर्स मिले। अबे अमर की तरह क्या फो कर रहा है? क्या हुआ? अबे मैंने फोटो गिरा दी यार। क्या फोटो? तू खड़ा रहे सीधा। क्या करेंगे क्या करेंगे प्रेम? तू एक काम कर, तू मोनिका के घर पे फोन कर। एक मिनट, मोनिका तो घर पे है ही नहीं। चुप रह। हाँ बोल। तू फोन कर और सिकंदर को किसी भी तरह बातों में उलझाए रख। ओके ठीक है। फोन दे। फोन ले। डायल कर। हेलो। हेलो सर्वोदया वीडियो लाइब्रेरी। क्या रेशमा की जवानी है? क्या बकवास कर रहे हो? कच्ची कली भी चलेगी। शाप काट दिया और मीत अंदर है। कुछ नहीं मिला सर। चलो बंद करके चला गया यार। तो अभी हम करें क्या अभी यार? शिट ये मुझे बहुत जोर से लगी है यार। क्यों यार? तेरे को लगी रही है? यहाँ पे फंस गए कर गया? अबे यार ये सोचा मैं अपने गीता को क्या बोलूंगा, मैं कहाँ था रात भर? तू गीता को छोड़, आंचल का क्या होगा? लगी है यार। अबे फट्टू इतना ही मुंह था तो यहाँ मेरी जेब में मुंह था। रिलैक्स, चिल्ला मत रात भर यहीं रहना पड़ेगा। तू एक काम कर, तू फ्लावर पॉट में मुंह जा।
रेडर Morning, boys. Good morning. कौन है भाई साहब? मैं वही हूँ जिसने मोनिका को ऊपर भेजा और अब चाहूँ तो तुम तीनों को भेजने का इंतजाम भी कर सकता हूँ. यानी कि तुमने? हाँ, मैंने ही मोनिका को मारा है. मुझसे गद्दारी करने चली थी बेवकूफ. मगर मुझे पूरा यकीन है तुम तीनों ऐसी बेवकूफी नहीं करोगे. लेकिन आप हमसे चाहते क्या है? वही 30 लाख रुपए जो तुम लोग मोनिका को देने वाले थे. लेकिन पैसों का बंदोबस्त करने के लिए सिर्फ 2 दिन है तुम लोगों के पास. सिर्फ 2 दिन. 2 दिन? हाँ. मुझे मालूम है तुम लोग मुझे निराश नहीं करोगे, क्योंकि जिन तस्वीरों के चक्कर में तुम लोग कल रात से यहां लटक रहे हो वो तो सिर्फ ट्रेलर है. पूरी फिल्म तो मेरे पास है. देखोगे? ये देखो. देखो कितने प्यार से तुम तीनों मोनिका की लाश को उठाकर ले जा रहे हो. अगर चाहो तो ये तस्वीर अपने घर के एल्बम के लिए रख सकते हो. मेरे पास नेगेटिव्स है, जितनी चाहे कॉपीज बना लूंगा. 2 दिन, वरना ये तस्वीरें पहुंचेंगी सिकंदर के पास और तुम तीनों पहुंचोगे मोनिका के पास. चलो अब ये लटकना बंद करो और काम पे लगो. चलो. अरे यार, ये एक सिकंदर काफी नहीं था जो हमें बंदर की तरह नचाने के लिए ये नया ब्लैकमेलर टपक पड़ा. पता नहीं कौन से जन्म की पापों की सजा भुगत रहे. कौन से जन्म की? अबे इसी जन्म के पापों की सजा भुगत रहे. एक बात बता दोस्तों, क्या हम तीनों के मुंह पर लिखा हुआ है कि आओ भाई हमें ब्लैकमेल करो कि कोई ना कोई बार बार आ जाता है यार. अब मुंह काला करके आए हैं तो कोई ब्लैकमेल ही तो करेगा. मुझे तो ये आदमी बहुत डेंजर लगता है. अब मोनिका जैसे हसीना का मर्डर तो कोई कमी नहीं कर सकता है. मैं तो कहता हूँ उसे पैसे दे ही देते और अपनी जान छुड़ा दे. पैसे दे ही देते और जान छुड़ा देते? ऐसे बोला कि हम तीनों ने पैसे अपने कच्चे में छुपा रखे हैं. अरे हाँ, अरे साले सारे पैसे तो तेरे कच्चे तेरे तिजोरी में. हाँ, तू घर जाके ले गया. जा जा, तुझे दोबारा चोरी करनी पड़ेगी. दोबारा उस घर में? अबे सवारी पैदा नहीं होता. अबे बट्टू, अरे सुन, सुन ना यार, तुझे चोरी करनी पड़ेगी. क्या है, चुपचाप ड्रिंक पियो. तुझे चोरी करनी पड़ेगी. हाँ यार, करनी पड़ेगी. अच्छा, ताकि मेरी सास मुझे दोबारा पटक पटक कर धोए. मैं सूली पे चढ़ जाऊंगा, सिकंदर की गोली से मर जाऊंगा, लेकिन दोबारा उस घर में अपनी सास के हाथों पिट्ठे में कभी नहीं जाऊंगा. तुम दोनों को इतना ही शौक है तो तुम दोनों क्यों नहीं जाते मेरे घर में चोरी करने के लिए? बात करते हैं. अच्छा बेटा, ताकि तेरी सास हम दोनों को पटक पटक कर धोए. क्यों नहीं? आइडिया. नहीं, मेरे पास तेरे आइडिया. अरे सुन यार, अमर, अमर, तू एक काम कर, तू आज रात अपनी बीवी और सास को किसी फिल्म दिखाने लेकर जा. तेरे घर में कोई नहीं होगा, तब मैं और मीत आकर तिजोरी से पैसा निकाल लेंगे. अरे क्या सोच रहे हो यार? यही कि पहली बार सुनने में तेरा हर आइडिया बहुत अच्छा लगता है, बाद में साला कच्चा निकलता है. अरे ऐसे इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी. आज रात पैसे निकालने के बाद हम ब्लैकमेलर को दे देंगे, फिर जिस सबूत के वजह से सिकंदर हमें सजाए मौत दिलवा सकता है वो अपने कब्जे में होगा. ये सही है, आज चाहे कुछ हो जाए हम अपनी रिहाई का इंतजाम करके रहेंगे. राइट राइट कोई मिल गया तो हाउसफुल है. तो चलो फिर अपने हाउस ही जाते हैं. नहीं, वहां गए तो वहां भी कोई मिल जाएगा. क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब मिल जाएगी किसी ना किसी और फिल्म की टिकट जरूर मिल जाएगी. बाजू में बहुत ही एजुकेशनल फिल्म लगी है, नाइट क्वीन. नाइट क्वीन? नाइट क्वीन?
साउंड्स इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. मम्मी जी मैं आपको बताता हूँ कितनी इंटरेस्टिंग. बॉस लगता है घर में कोई नहीं है. मतलब खाली है ना. अरे अच्छी बात है, खाली घर को और खाली कर देंगे. चल खोल जल्दी. अगर जमी. अरे बॉस घर का दरवाजा भी खुला है. लगता है आज के बाद अपनी तकदीर का दरवाजा भी खुल गया. चल घुस ले अंदर. खुल खुल. अमर को कहा था कि कम से कम दरवाजा खुला रखे. अब करेंगे क्या, घुसेंगे कहां से? नहीं नहीं नहीं, तेरा आईडिया बहुत डेंजरस है. मैं कर जा रहा हूं. ट्रस्ट मी, छत से जाते हैं. हां छत से जाते हैं. लेट्स गो. लेट्स गो. खिलाकर सॉफ्ट पॉर्न दिखाता है. इडियट. बिंदु अपनी आंखें बंद करो और चलो मेरे पीछे. इडियट. मम्मी जी बिंदु जी.